उधर बस्ती में कृषि यंत्रों की खरीद में लाखों रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। किसानों का आरोप है कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और एनजीओ बड़ी चालाकी से फंड अपने नाम ले लेते हैं। ये भी कहा गया कि कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन टोकन करते हैं, जिसका किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब निर्धारित समय पर किसान टोकन के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट पर गए तो पहले से टोकन एनजीओ के नाम पर कटे हुए थे। इससे जो है कि भ्रष्टाचार कम था, लेकिन जो इस बार बस्ती जनपद में क्या उत्तर प्रदेश में ये मामला चल रहा है कि ये साइड हैक कर इसको जो है कि हैक कर लिया गया और किसान ना पाकर एनजीओ वाले पा गए हैं। तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जो कर्मचारी के घर पर दो दो कंपाउंड कट गई है। बस्ती जनपद में दो कंपाउंड आई थी और उसी में कर्मचारी हैं, उन्हीं के घर में दो कंपाउंड कट गई। यदि इस संबंध में जिला स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो ये निर्देश दिए जाएंगे कि सभी जिले अपना अपना सत्यापन जो पिछले साल उन्होंने कार्य किया है उसका कर लें, और साथ ही जो इस बार लाभार्थियों को वो यंत्र वितरित करें उसका भी लगातार सत्यापन करते हैं। और राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, अक्सर दिक्कत यही रहती है कि योजनाओं का लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाता, और यहाँ पर तो किसान सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि एनजीओ को पहले टोकन मिल गए, वो सिर्फ मुंह ताकते रह गए। किस क्यों और किस तरीके से यहाँ पर ये जो एनजीओ है वो बीच में बेनिफिट ले रहा है? जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से किसी यंत्रों का बंटर बांट हो रहा है, तो दरअसल ये फार्मा मशीनरी बैर और कस्टम हायरिंग सेंटर के तहत किसानों को जो किसान यंत्र है, ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, थ्रेसर है, ड्रिलर है, ये सब मशीन जो है सरकार द्वारा 80% अनुदान देके, सब्सिडी देके किसानों को दिया जाता है, जिससे किसान अपनी खेती कर सके और अपनी आय को दोगुना बढ़ा सके। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा और उसमें कुछ दलाल ऐसे सक्रिय हैं जो ये यंत्र का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता। दरअसल जब किसान को कृषि यंत्रों की सब्सिडी आने की जो टोकन कटता है उसमें कहीं ना कहीं ये खेल करते हैं, और जब ये टोकन अब की बार जब किसानों को टोकन कटवाना था तो जो वो जिस दिन टोकन कटा उस दिन सर्वर डाउन हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं से जो बाबू या किसी के माध्यम से उन दलालों को वो कोड मिल गया जो अपने बैठ करके किसी साइबर उससे ये टोकन वो जी बिल्कुल राघवेंद्र, यानी कि घालमेल जो है यहाँ पर अधिकारियों की भी है, तभी यहाँ पर एनजीओ को टोकन जो है वो मिल रहे हैं। राघवेंद्र, यहाँ पर देखा जाए तो कितने समय से इसी तरीके से घोटाला जो है फिलहाल चल रहा है, और किसान कैसे कितने समय से यहाँ पर परेशान है? जी, अगर देखा जाए तो ये फार्मा मशीनरी बैंक और जो कस्टम हायर सेंटर है, करीब 4-5 वर्षों से सरकार की योजना और ये किसान यंत्र दिया जाता, करीब 4-5 वर्षों से ऐसा खेल चला। कहीं कहीं जब ये यंत्र खरीद लिए जाते हैं और किसानों और सत्यापन की बात अधिकारियों द्वारा आती है, यानी कि 5 साल से परेशानी किसानों के लिए बनी हुई है लेकिन किसी का ध्यान नहीं है, ये बड़ी हैरानी की बात है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात बदायूं की करते हैं, जहां पर यूरिया की हेराफेरी का मामला भी सामने आया है। ये आरोप है कि खाद माफिया ने जिले में आई 2 ट्रक खाद की हेराफेरी कर दी है। किसान खाद के लिए भटक रहा है और खाद माफिया इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। प्रशासन की टीम ने एक ट्रक खाद पकड़ लिया है जबकि बाकी की तलाश चल रही है। डीएम ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर जांच के आदेश भी दिए हैं। हमने 10 ऐसे किसान आइडेंटिफाई किए थे जिन्होंने ज़्यादा खाद यूरिया ली थी, और जब देखा गया उनकी खतौनी से मिलान किया गया तो इतने यूरिया की उन्हें आवश्यकता नहीं थी, तो लोगों के खिलाफ जांच करवाई गई, और जांच करवाने के उपरांत जब ये चीज़ें सामने आ गई हैं तो उनके खिलाफ जो है प्राथमिकी दर्ज करवाने की या अन्य भी जो कार्रवाइयाँ हैं वो करवाई जाएंगी।